इंटरनेशनल कंपटीशन का मतलब अभी तीन मैंने खेले हुए हैं, एक वर्ल्ड एमेच्योर ओलंपियाड नॉर्थ क्लासिक। तो सबसे पहले एक भूख होता है ये साउंड सुनने का, जब स्टेज पे जाओ, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना तो बस यही दिमाग में रहता है कि यार अब जो था इतना अच्छा प्रिपरेशन करना है ना कि जब स्टेज पे जाओ, जब वो बोले सिद्धांत जायसवाल फ्रॉम इंडिया, मतलब जो खाली बस ये कान एकदम तरस जाता है सुनने के लिए कि यार जब वो बोले कि फ्रॉम इंडिया, तो मतलब एकदम रोंगटे एकदम जो बोलते हैं वो खड़े हो जाते हैं। तो वो फीलिंग तो मतलब कुछ और ही रहती है। फिर ये होता है कि जब मेडल जीतेंगे, प्लेसिंग में आएगा तो तिरंगा रहेगा अपने कंधे पे, उसको सीने से लगाना और रोना, वो फीलिंग तो फिर मतलब फिर कुछ भी डाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ 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 नहीं दिखता उसके आगे, तो बस वो तो अलग ही फीलिंग होता है। और ये गेम में तो काउंटडाउन जो होता है एवरी सिंगल डे है, मतलब आपको ऐसा ये नहीं है कि आप एक भी दिन, आपका जब से रेस मतलब स्टार्ट हो गया तब से सारे घोड़े जो होते हैं रेस में भाग रहे हैं। अभी आप ये सोचोगे कि आप जाके इधर चने खाओ, घास खाओ, ये करो वो करो, तो आप उसमें अपना टाइम पास करोगे तो फिर आप कहीं ना कहीं पीछे हो जाओगे। तो एवरी सिंगल डे जो होता है वो काउंट होता है, तो एवरी सिंगल डे अपने को एफर्ट डालना है, चाहे वो आपका ऑफ सीजन हो, चाहे आप कॉन्टेस्ट प्रेप में हो। क्योंकि मेरा ड्रीम बस प्रो कार्ड लेके वहाँ पे रुकना नहीं है, मेरा ये है कि अब रियल गेम मेरा स्टार्ट होगा जब मैं प्रो कार्ड ले लूँगा। तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब हड़बड़ नहीं है प्रो कार्ड लेने का, क्योंकि मुझे मालूम है प्रो कार्ड तो आज नहीं तो कल छक मार के मैं ले ही लूँगा। बट प्रो कार्ड लेने के बाद फिर मुझे बैठना नहीं है, प्रो कार्ड लेने के बाद फिर मुझे जो होता है जो प्रो ऑलरेडी है उनको बीट करना है, बीट करके फिर मुझे आगे निकलना है और ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करना है, फिर जाके अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है। कोई भी जैसे लोग बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गया, वो प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में होता है। तो एक कुछ ऐसा मतलब आपको रहता है ना कि कोई पर्पस मिल जाता है तो आप एकदम मोटिवेटेड हो जाते हो। तो मुझे भी मतलब एक मेरे लाइफ का पर्पस क्लियर है कि मुझे यही करना है, चाहे मेरे पास कुछ रहे या ना रहे, कुछ भी करना है बस यही करना है, किसी भी तरीके से मैं रुकने वाला नहीं कोई भी प्रॉब्लम हो। एवरी सिंगल डे जितना एफर्ट डालना चाहिए उतना मैं डाल रहा हूँ। कभी कभी ये होता है कि थोड़ा मील मिस हो जाता है या वर्कआउट मिस होता है तो बहुत रिग्रेट होता है। रिग्रेट ये होता है कि मैं यार इतने बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ कि हाँ मुझे प्रो कार्ड जीतना है, फिर ओलंपिया क्वालिफाई करना है, ये करना है, और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ तो दूसरा बंदा उधर अपना बेस्ट टू बेस्ट दे रहा है। तो फिर मैं ये नहीं बोल सकता कि नहीं जो होता है मैं इस चीज़ के लिए डिजर्व करता हूँ। अगर मैं सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए डिजर्व करता हूँ तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा और एवरी सिंगल डे मेहनत करना पड़ेगा। मेरा टारगेट ये है कि पहले से ज़्यादा मेरा वी टेपर स्ट्रांग हो। अब मुझे 200 के बीच में भी खड़ा करा दे, 500 के बीच में भी, तो भी मैं वी टेपर इतना लेके स्ट्रांग एकदम खड़ा रहूं तो वो ऑलरेडी मतलब बोले कि नहीं यू आर द वन। और यही टारगेट है, क्योंकि जब आप उस तरीके से नहीं दिखोगे तो फिर आप प्रो कार्ड जीत के भी आप क्या करोगे, आप प्रो शो में भी आप जीत नहीं पाओगे। तो आप इस तरीके से मतलब प्रो लेवल की आप बॉडी लेके जाओ और वन साइडेड होके आप विनर होके जाओ। इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हो तो आप उतना ही मेहनत करो और उतना ही अपने आप को इम्प्रूव करो। इम्प्रूवमेंट होने में आपको कितना भी टाइम लगे, चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, आप करो उसके बाद फिर आप आओ। मेरा यही मानना है कि जब आप एक चीज से जो होता है आप परफॉर्म बेटर करोगे, वहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, आपको सक्सेस मिलेगा, तो फिर आप और मोटिवेट होगे, फिर बोलोगे नहीं यार अब मैं और अच्छा करूँगा। तो आप वहाँ से मेहनत करके फिर एक लेवल अप जाओगे, उसको भी अचीव कर लोगे। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप सीढ़ी चढ़ोगे ना तो फिर डेफिनेटली आप एक दिन जो होता है जो आपके सपने हैं उसको आप अचीव कर लोगे। बट आप कभी भी पता करना, कोई भी बंदा जो होता है एक साल के अंदर ओवरनाइट कोई भी जो होता है चैंपियन या सक्सेसफुल नहीं बना है, आपको टाइम देना ही पड़ेगा।
रियलिटी ये है कि कुछ ऐसा है ही नहीं. यू हैव टू वेट, यू हैव टू ईट, यू हैव टू वर्क हार्ड. कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है.